हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के डीएस क्लासेस में। इस वीडियो में आपका सारा डाउट जो ट्रेड पेपर से रिलेटेड है, मैकेनिकल ब्रांच से, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना है। अगर आपका बीटेक हो चाहे आपने डिप्लोमा किया होगा मैकेनिकल से, तो कौन सा ट्रेड पेपर आपको लेना चाहिए वो सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो से क्लियर करूँगा। और जब मैं एलपी जब मैंने भी फॉर्म भरा था, तो मैंने जो ट्रेड पेपर लिया था उस टाइम मेरे से क्या गलती हो गई थी, और सबसे ज़्यादा फेल जो है किस ट्रेड पेपर से मैकेनिकल वाले किए थे, वो भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। इसलिए वीडियो जो है पूरा कंप्लीट देखना, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा कि जो है 20 जनवरी से आपकी एप्लीकेशन डेट फिलिंग स्टार्ट है, क्लोजिंग डेट आपका 19 है, ये मॉडिफिकेशन का डेट आपका दिया हुआ है। और जितने भी आपके सारे जोन मिला के ये वाली वैकेंसीज आई है, अब ये देखो चांस भी है बढ़ने का, जिस तरीके से अभी मूवमेंट हुआ है आपका, बैठक हुआ आपका दिल्ली में। तो हम लोग बात करते हैं कि ट्रेड पेपर अब उसमें कैसे लिया जाए, ठीक है? क्योंकि ट्रेड पेपर आपका एक ऐसा पेपर है जो आपको क्वालिफाई तो करना पड़ेगा, अगर उसमें आप क्वालिफाई नहीं करते हो तो फिर कोई मतलब ही आपका नहीं रह जाता है। तो ट्रेड पेपर का सारा चक्कर आपको यहाँ पर देखो, रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पे क्या है भाई, कि मेरे को CBT 1 है फर्स्ट स्टेज है, CBT 2 है सेकंड स्टेज, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको हम लोग साइको बोलते हैं। तो टोटल 3 स्टेज तो आपके एग्ज़ाम हो गए। जब ये तीनों क्लियर कर लोगे तो फिर DB मेडिकल और फाइनल आपकी पोस्ट, मतलब सेलेक्शन आपकी यहाँ से हो जाएगी। तो CBT 1 में देखो यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया है कि 75 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में करना है, ठीक है, 60 मिनट में। तो और हर एक क्वेश्चन के लिए आपका 1 नंबर दिया गया है, और 1/3 यहाँ पे आपके निगेटिव मार्किंग भी है। और उसका सिलेबस भी देख सकते हो, मैथमेटिक्स है यहाँ पे, मेंटल एबिलिटी है, जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस है। अब CBT 2 का पैटर्न देखो, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो यहीं पर है कि CBT 1 में जितने भी कैंडिडेट पास होंगे उसका 15 टाइम्स जो है यहाँ पे आपका लिया जाएगा, किसमें, CBT 2 में। तो CBT 2 जो है ये पार्ट ए में होगा और पार्ट बी में होगा, पार्ट ए और बी मिला के टोटल जो है 2.5 घंटे की एग्ज़ाम होगी, ठीक है, टोटल 175 क्वेश्चन होंगे। उस 175 में जो पार्ट ए है उसमें 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने रहेंगे, और पार्ट बी में जो है 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करने हैं। अब दोनों का सिलेबस देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर भी ये चीज़ क्लियर कर दिया है कि ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन द पार्ट ए सेल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर फर्दर स्टेजेस ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट इरेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी इज एबल टू सिक्योर क्वालिफाइंग मार्क्स। मतलब जिनका 35% पार्ट बी में मार्क्स आया होगा, उन्हीं का जो है पार्ट ए जो है उसका मार्क्स जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आगे के नेक्स्ट स्टेज के लिए। और यहाँ पर देख सकते हो, ये मैथमेटिक्स हो गया, ये पार्ट ए का जो है सिलेबस हो गया आपका, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब यहाँ पर सिलेबस ऑफ जो पार्ट बी है ना, पार्ट बी में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है, ये पार्ट बी में आपको ट्रेड पेपर लेना पड़ता है। तो मान लो कोई बंदा अगर ITI से किया होगा, तो जो ITI से उसकी ITI या तो अप्रेंटिस किया हुआ है या ITI किया हुआ है, तो उसका जो ट्रेड था ना, उसी ट्रेड से पेपर में उसका आने वाला क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है? और जो ट्रेड पेपर का जो सिलेबस है, देख सकते हो इस साइट पर जाके जो है आप अपना ट्रेड पेपर का सिलेबस जो है वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो जो बंदे डिग्री और डिप्लोमा कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए भैया यहाँ पे दिया हुआ है क्या प्रेफरेंस, कि भाई आपकी डिप्लोमा जो है कौन सी ब्रांच है। मेरी ब्रांच मान लो मैकेनिकल है, और मैकेनिकल की जो स्ट्रीम होती है जैसे ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, जिग एंड टूल्स, ठीक है, तो उनको भी ये अलाउ करती है, चाहे ऑटोमोबाइल हो गया। तो यहाँ पर देखो, फिटर हो गया, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, ठीक है, मैकेनिक डीजल, टर्नर मशीनिस्ट, RAC मैकेनिक, हीट इंजन, मिल राइट, मेंटेनेंस और मैकेनिक। अब मैं अपना इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, और इसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पर ट्रेड पेपर चूज़ करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि ट्रेड पेपर आपने समझ लिया कि जब तक इसमें आप 35% मिनिमम नंबर नहीं लाते हो, और इसमें आपका कैटेगरी कोई मतलब मायने नहीं रखता कि आपकी कैटेगरी SC ST OBC है, सबको इतना मिनिमम लाना ही है, तभी जाकर पार्ट ए आपका जो है नंबर जो है शॉर्ट लिस्टेड के लिए, मतलब वहाँ पर उसका इवोल्यूशन किया जाएगा। तो मैंने यार जो है ना, आपने यहाँ से कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है एज ए डिप्लोमा कैंडिडेट या मैकेनिकल अगर बीटेक की हो तो सुना होगा आपने, RAC सुना होगा, ठीक है, या तो आपने भाई डीजल मैकेनिक, या तो आपने यहाँ पे सुन लियो हीट इंजन, बहुत ज़्यादा सुनते हो आप, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने क्या उठा लिया था, RAC उठा लिया था, और RAC का मतलब मेरे को लगता था रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ये मैकेनिक वाला टर्म तो मैंने देखा ही नहीं था जब मैंने भी अपना ट्रेड पेपर लिया था। RAC क्यों ले लिया, क्योंकि मैं मैकेनिकल भाई ब्रांच से मेरी है, और अपन RAC सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो RAC ले लिया। लेकिन मेरे दोस्त, आप बिलीव नहीं करोगे, जब हम लोग 75 क्वेश्चन जब हम लोगों ने दिया था पार्ट CBT 2 जब दिया था, तो अधिकतर जो मैकेनिकल के बच्चे जो फेल किए थे इस ट्रेड के पेपर में, सबसे ज़्यादा पेपर मतलब पूरा ब्लंडर था, क्योंकि RAC के बाद क्या लगा हुआ, मैकेनिक लगा हुआ। मतलब आपको जो ये ट्रेड पेपर जो है आपको पूरा एकदम नीचे ITI लेवल पे जो है, मैकेनिक के लेवल पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस लेवल पे जाके तैयारी करना है।
जो कि मैंने उस टाइम इस ट्रेड पेपर को लेके भैया उतना सीरियस नहीं था, बस अच्छा बोला सोचा आरएससी है, आरएससी में करना क्या है यार, बीसीआरएस पढ़ लो, सीओपी पढ़ लो, ठीक है, ड्राइवर में टेम्परेचर क्या होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, कौन से किस टाइप के रेफ्रिजरेंट होते हैं, उन सारे को कर लो तो भाई हो जाएगा। लेकिन भाई जब अपन आरएससी में बड़ी मुश्किल से मैं भी पास हुआ था इस ट्रेड पेपर में, तो अब बात आई कि भाई आप कौन सा ट्रेड पेपर चूज़ करो। देखो मेरे हिसाब से मैं आपको यहाँ पर तीन ट्रेड पेपर आपको चूज़ करने बोल रहा हूँ, और जिनका प्रोडक्शन वाला पोर्शन जो होता है बहुत अगर अच्छा है, ठीक है, वो टर्नर मशीनिस्ट, ठीक है, या तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक, जिनका प्रोडक्शन जो है टूल्स वगैरह बहुत ही अच्छा हो, ड्रिलिंग मिलिंग ग्राइंडिंग, ठीक है, तो वो भाई ये वाले प्रोडक्शन वाले जो सिलेबस है वो आप वहाँ पे जाके उठा सकते हो ट्रेड पेपर में। लेकिन मुझे पता है कि भाई जब हम लोग तैयारी भी करते हैं, मान लो एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं या आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं या गेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी पीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो उससे भी लोअर लेवल पर पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन हो क्या 10th प्लस आईटीआई है, तो आपको उस लेवल पे जाके जो है आपको ट्रेड पेपर तैयारी करना पड़ेगा। बट थोड़ा आपको इजी यहाँ पे क्या हो जाने वाला, देखो जैसे मान लो आरएससी है, ठीक है, अभी आप मान लो एएलपी के साथ अगर डेफिनेटली अगर आप अपकमिंग वैकेंसी अगर जेई की आएगी तो डेफिनेटली आप जेई का भी फॉर्म भरने वाले हो, भरोगे, तो आरएससी हो गया या हीट इंजन हो गया, ठीक है, या तो फिर आपका यहाँ पे डीजल मैकेनिक जो हो गया। अब इन तीनों में से मैं आपको कोई एक सजेस्ट करूँगा, ठीक है, और इसका सजेशन इसको भाई आप कैसे मतलब सेलेक्ट कर सकते हो, देखो आरएससी में क्या लगा हुआ मैकेनिक लगा हुआ, तो आरएससी में जो है ना आप जो पढ़ते हो, ठीक है, उससे तो क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे, बट आपको मैंने क्या बोला कि आईटीआई लेवल पर भी जो इनके स्पेशल जो बुक आते होंगे, चाहे हिंदी में आता होगा चाहे इंग्लिश में, जो भी पब्लिकेशन का आता होगा, आपको वहाँ पर आरएससी मैकेनिक मतलब बोलते ना कि डेटा वाले फैक्ट पूछ देगा, बताओ भाई अमोनिया है, अमोनिया रेफ्रिजरेंट का मिनिमम टेम्परेचर बता दो, तो मतलब बहुत इस तरह से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा ठीक है, बहुत सारे मान लो जो कंप्रेसर होते हैं, कंप्रेसर रिलेटेड छोटा छोटा क्वेश्चंस पूछ लेंगे, तो वो तभी आपको दिमाग में आएगा जब उसको आप उस लेवल पे जाकर तैयारी करोगे। हीट इंजन से आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई आप इंजन जो भी पढ़े हो, जैसे ऑटो साइकिल पढ़े हो, डीजल साइकिल पढ़े हो, ड्यूअल साइकिल पढ़े हो, नॉकिंग पढ़ते हो, डिटोनेशन पढ़ते हो, ठीक है, एफिशिएंसीज पढ़ते हो, तो ये सारा चीज़ जो आपको यहाँ पे हीट इंजन में मिल जाएगा, ठीक है। डीजल मैकेनिक में समझ में ये आ रहा है कि इसमें जो डीजल रिलेटेड जो जिसको हम सीआई इंजन बोलते हैं, जो भाई किस पे बेस्ड है, सीआई इंजन कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन जो आपकी बेस्ड रहती है किस पे, डीजल साइकिल जो रहती है, तो उससे रिलेटेड इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। तो मुझे लगता है अगर आप हीट इंजन यहाँ पर चूज़ करते हो, ठीक है, हीट इंजन, तो अगर आपकी लगता है कि नहीं ये वाला पोर्शन आपका बहुत ही अच्छा है कि आप भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, ऑब्जेक्टिव कि मैंने पूछा बता पिस्टन में कितने मिनिमम नंबर ऑफ रिंग्स होते हैं, ठीक है, बताओ कनेक्टिंग रोड जो होता है किस मटेरियल से बना होता है, बताओ कि टू स्ट्रोक में जो होता है कितने साइकिल में एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पावर जो देता है वो टू स्ट्रोक देता है कि फोर स्ट्रोक देता है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके हीट इंजन में बनते हैं, ठीक है। और आरएससी में तो आपको समझ में आ गया कि सीओपी पूछ लेगा, डिफरेंट टाइप के जो रेफ्रिजरेंट होते हैं वो पूछ लेगा, तो आप क्या है ना फॉर्म भरने में भी आपके पास टाइम है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जो टेस्ट बुक है ना, टेस्ट बुक के ऐप पे या तो आप गूगल या कहीं पे सर्च करके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एएलपी के रहे होंगे ना, उसमें से कम आप एक सेट जो है ना हीट इंजन का, ठीक है, एक सेट हीट इंजन, एक सेट आरएससी और एक सेट डीजल मैकेनिक, इन तीनों का एक बार सिलेबस देख लो, और उसमें से आपको जो अच्छा लगे कि नहीं मेरा ये वाला जो है ना बहुत ही अच्छा है ये वाला सब्जेक्ट, तब उसी को अपना ट्रेड पेपर ले लो, क्योंकि एक बार आपने ट्रेड पेपर सेलेक्ट कर लिया मेरे भाई, फिर तो आपको उसी में आपको काम करना पड़ेगा, और ट्रेड पेपर भी ऐसा सेलेक्ट करना है जिसमें भाई आपको आराम से क्वालिफाई कर जाओ, क्योंकि ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर है। तो मुझे लगता है कि मैकेनिकल वालों को बस इन तीनों में से कोई अगर एक आप एनालिसिस करके ले लोगे तो भाई आपको टेंशन नहीं होगी, और फर्दर जब आपकी अपकमिंग आरआरबी जेई की अगर वैकेंसी आती है तो आप आरएससी तो आरएससी वाले उसमें नहीं पढ़ोगे, बट हीट इंजन ये सब जो आपकी रहेगी डीजल मैकेनिक इससे रिलेटेड तो क्वेश्चंस पढ़ोगे ही, तो आपकी थोड़ी थोड़ी तैयारी इसमें भी होने लगेगी, ठीक है। और बाकी अगर इसका मटेरियल कहाँ से मिलेगा नहीं मिलेगा वो मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में बताऊँगा, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो आप कौन सा मतलब ट्रेड लेने वाले हो एक बार कमेंट करके जरूर बताना, और किस लिए ले रहे हो, ताकि और भी सारे जो बच्चे भाई मतलब कन्फ्यूजन में हैं मैकेनिकल का ट्रेड पेपर फॉर एएलपी एग्ज़ाम, तो उनको भी ये डाउट जो है माइंड में क्लियर हो जाए कि हाँ मेरे को यार ये ट्रेड पेपर लेना है और क्यों लेना है, ठीक है। तो और फिर भी कोई डाउट रहता है यार मन में तो फिर कमेंट करो आप, मैं आपको वहाँ पे फिर रिप्लाई करता हूँ। तो ट्रेड पेपर आपको इस तरीके से मैंने जिस तरह से बताया कि उस तरह से एनालिसिस करके ही आपको लेना है, ताकि बाद में पछताना ना पड़े, पता चला पार्ट ए में आपको 100 में से 80 नंबर आ गए और भैया आपके जो 35% लाना था आपको ट्रेड पेपर में आउट ऑफ 75 नंबर के वो आ ही नहीं रहे हैं,
और ये जो 35% रहता है ना, इसमें नॉर्मलाइज होता है, ये दिमाग में रखना। तो भाई आपको उस तरह से टारगेट करके जो है अच्छे से एनालिसिस करके जो आपको ट्रेड पेपर लेना है, तो अब तो या तो आपकी अगर प्रोडक्शन वाली जो सब्जेक्ट है अगर बहुत अच्छी है, तो आप मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक मशीनिस्ट हो गया, ठीक है, तो ये सब सारा चीज़ ले सकते हो। अदरवाइज आप RAC मैकेनिक और हीट इंजन और डीजल मैकेनिक, इन तीनों में से कोई एक अपना उठा लो। और ये उठाने का तरीका कहाँ से बताया मैंने कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन, खाली एक ही कोई सेट उठाना और उसका देखना कि हीट इंजन में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, RAC में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं और डीजल मैकेनिक में किस तरह से क्वेश्चन पूछे, और आप जिसमें ज़्यादा कम्फर्ट हो वही ट्रेड जो होता है उसी को लेके आगे अपना फॉर्म भर देना, ठीक है। चलो कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।